अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, स्टडी विद यासिर के साथ मैं हूं आपका टीचर यासिर जी। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है सेल रिटर्न का। हमने जो गुज़िश्ता क्लासेस में जो टॉपिक पढ़े थे वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सेल ट्रांसैक्शन में ये जो आपके सामने जो मैंने टैक्स ऐड किए हुए हैं, ये हम टॉपिक कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सेल ट्रांसैक्शन के हवाले से, सेल ट्रांसैक्शन में सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न में हम लोग करेंगे, आज हम सेल रिटर्न है हमारा, इसको मैं सही करके लिख दूँ, सेल रिटर्न। अच्छा, सेल रिटर्न में, सेल रिटर्न का जो वाउचर है वो क्रेडिट नोट के अंदर बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना काम, सेल रिटर्न अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है और सेल रिटर्न किस तरीके से अप्लाई की जाती है। तो चलते हैं अपनी टैली की तरफ। सेल रिटर्न करने से पहले हमें इसकी बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा कि हमें कितनी हमने ट्रांसैक्शन की है और कितनी जो ट्रांसैक्शन है कितना हम लोग रिटर्न करना चाह रहे हैं, अमाउंट और क्वांटिटी। तो हम चलते हैं इसके बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में हम आए यहाँ पे और मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा हूँ, अगेन ओपनिंग स्टॉक में जा रहा हूँ, LCD हमारे पास स्टॉक आ रहा है और इस रिपोर्ट में आ गया। देखिए, ये रिपोर्ट हमारी कहती है कि आपके पास 20 LCD थी 60,000 की, आपने 10 सेल कर दी हैं जो 40,000 की थी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 10 सेल की हैं इसमें हम 5 रिटर्न कर लेंगे। जब 5 रिटर्न करेंगे तो 5 की जो कीमत बनती है वो 20,000 बनती है। और हमने सेल कितनी की थी, पर पीस जो हम लोगों ने सेल किया था वो 4,000 का था। तो आपने सिर्फ तीन चीज़ें याद रखनी है, एक क्वांटिटी याद रखनी है और सेल आपने कितने की थी पर पीस वो याद रखना है और टोटल अमाउंट कितना बनता वो याद रखना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेल रिटर्न का, सेल रिटर्न को एक्टिव करना पड़ेगा। तो सेल रिटर्न को एक्टिव करने के लिए हम जाएंगे फीचर्स में, अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे और इंटर करते जाएंगे यहाँ पर कि जो इनवाइसिंग का आपके पास हिस्सा आ रहा है इसमें आपको देखें यहाँ पे यूज़ डेबिट क्रेडिट नोट आ रहा है सेम। तो यहाँ पे आके हम इसको यस करेंगे, इस ऑप्शन को हम यहाँ पे यस करेंगे। यस करते हुए हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, स्केप कर देंगे हम लोग। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका अकाउंट बनाना है सेल रिटर्न का। हम अकाउंट बनाने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि अकाउंट इन्फो में जाया जाता है, अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, यहाँ पे आके हम लोग सेल रिटर्न का अकाउंट बनाएंगे। इसको आप 04 भी वैल्यू दे रहे हैं, 067 कुछ भी दे सकते हैं। सेल रिटर्न का जो अकाउंट है, वैसे सेल रिटर्न की जो नेचर होती है वो एक्सपेंस होती है, लेकिन टैली के अंदर हम इसको यहाँ पे सेल अकाउंट में ही लिखे जाएंगे। तो इसको हम सेल अकाउंट में यहाँ पर डाल देते हैं। ये हमारे पास सेल अकाउंट आ रहा है, ये हमने सेल अकाउंट में इसको डाल दिया। सेल रिटर्न का हमने अकाउंट बना लिया है। तो अब चलते हैं इसको अप्लाई करते हैं कि ये अप्लाई किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए हमें जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद सबसे पहले आपने ग्रीन जो बेल्ट आ रहा है आपके पास, इसमें आपको क्रेडिट नोट नज़र आ रहा है जो हम लोगों ने पीछे एक्टिव किया था। आप यहाँ क्रेडिट नोट पर क्लिक करेंगे। क्रेडिट नोट पर आने के बाद आपने यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखना है, 01 रेफरेंस नंबर लिखेंगे, इंटर करके नीचे आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट की सेटिंग नहीं हुई हुई, ये शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे और हम इसको डेबिट और क्रेडिट नोट को एक्टिव कर लेंगे। यहाँ पर आके यहाँ पर जो नो है इसको हम यस करेंगे। इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट की सेटिंग हमारे पास वहाँ पेज के ऊपर वाउचर में हो जाएगी। और एक दफ़ा पेज को बंद करके दोबारा ओपन करें ताकि ये डेबिट क्रेडिट एक ही साथ आ रहे हैं, ये एक वक्त में एक आए। दोबारा हमने इंटर किया, देखिए हमारी डेबिट क्रेडिट की सेटिंग हो गई यहाँ पेज पे। अब यहाँ पे हम 01 रेफरेंस नंबर लिखें, पर्टिकुलर में आप आएंगे। पर्टिकुलर में आपने सबसे पहले बताना है कस्टमर। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि आपको तीन चीज़ें बतानी है, तो आपको सबसे पहले अमाउंट बताना होगा कि कितना अमाउंट था जो आपने क्लेम कर रहे हैं, जो रिटर्न हो रहा है हमें।
तो वो 20,000 हम यहाँ पे बताएंगे। मैं जैसे ही 20,000 पे क्लिक करूँगा वो ओन अकाउंट आ जाएगा। आपने ओन अकाउंट को सिलेक्ट करना है और इस पेज से बाहर आ जाना है। यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आप ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ये कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे सेल रिटर्न सेलेक्ट कर लेना है जो हम सेल रिटर्न कर रहे हैं। सेल रिटर्न सेलेक्ट किया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि क्या चीज़ आपने सेल की थी, कौन सा आपका आइटम क्या। हमारा आइटम जो था वो LCD था, कितनी क्वांटिटी थी, हमने यहाँ पे 5 क्वांटिटी लिखी है। अब देखिए इसने ऑटोमेटिक इसको कैप्चर कर लिया, उसने उसको ले लिया ऑटोमेटिक ही। इंटर करेंगे इस पेज से, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और दोबारा हम उस पेज के ऊपर आ गए। इस तरीके से हमारा जो क्रेडिट नोट के अंदर सेल ट्रांसैक्शन का प्रोसेस पूरा हुआ, सेल रिटर्न का। इंटर करते हो यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो एक बार हम यहाँ पे आके अपनी रिपोर्ट देखते हैं, हम बैलेंस शीट में आते हैं और आपको यहाँ पे प्रॉफिट कम होते हुए नज़र आ रहा है। इसका मतलब कि सेल रिटर्न का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा इंटर किया हमने, एक और दफ़ा इंटर करेंगे और एक और बार इंटर करके हम इसकी रिपोर्ट में चले जाएंगे। देखिए रिपोर्ट यहाँ पे कहती है आपने 10 परचेज की सेल की थी आपने, और 5 आपको देखें यहाँ पे रिटर्न होते हुए नज़र आ रही है, जिसका जो अमाउंट है वो 20,000 है और अब हमारे पास जो क्वांटिटी है वो 15 है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा सेल रिटर्न का प्रोसेस। आज हमारी जो सेल ट्रांसैक्शन है वो पूरी कंप्लीट हो गई है, जिसमें सेल डिस्काउंट, सेल रिटर्न, सेल टैक्स और जितने भी अकाउंट थे वो मैंने आपको आज की डिटेल में समझा दिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कट स्टडी विद यासिर के साथ यासिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।